गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बीएड सेकंड ईयर में हमारा फर्स्ट पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान तथा पाठ्यचर्या, जिसका पेपर कोड है 9224। ये आपका कंपल्सरी पेपर है जिसे अलका मैम और मैं आपको फर्स्ट पेपर पढ़ाऊंगा। इसके अंतर्गत सबसे पहले फर्स्ट पेपर जो है इसके अंतर्गत जो सिलेबस है वह अलका मैम आपको लिखवाएंगे, मैं आपको जो सेकेंड यूनिट है वो पढ़ाऊंगी। तो सेकेंड यूनिट के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसका टाइटल क्या है, ज्ञान के स्वरूप और विद्यालय में इनका संगठन, यानी ज्ञान का क्या स्वरूप है जिसको हम विद्यालय के अंतर्गत उपयोग करते हैं। इससे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ज्ञान को जानना आवश्यक है कि ज्ञान क्या है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हमारी बुक का नाम है ज्ञान तथा पाठ्यचर्या, कि हम ज्ञान के आधार पर ही हम हमारी जो पाठ्यचर्या है उसका निर्माण करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ज्ञान। इसकी हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। यानी हम कहें
ज्ञान है। जो सत्य होगा वही ज्ञान होगा, जो ज्ञान है वही सत्य है। जो चीज हम प्रत्यक्ष देखते हैं, जो सत्य मानी गई वही क्या है, हमारी ज्ञान है। अगर बात करें तो इसके अंतर्गत जो कुछ विद्वान थे उनका भी यह मत था कि सत्य और ज्ञान क्या है, दो सिक्के के पहलू है। ज्ञान का उद्देश्य, ज्ञान का उद्देश्य क्या है, मानवता स्वामी विकास करना। क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही, सत्य ज्ञान के द्वारा ही हम जो बालक है उनका स्वामी विकास किया जाता है। इसके अंतर्गत विद्यालय के अंतर्गत अगर हम बात करें ज्ञान के उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य भी उद्देश्य क्या होता है, मानव का स्वामी विकास करना। अगर हम कहें शिक्षा के उद्देश्य की बात, शिक्षा उद्देश्य की बात, तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, बालकों का स्वामी विकास। यानी ज्ञान के अंतर्गत और शिक्षा के अंतर्गत बालक का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो विकास से वंचित रहा हो, क्योंकि बालक ज्ञान के द्वारा, शिक्षक के द्वारा अपना स्वामी विकास करता है, अपने प्रगति पथ पर अग्रसर होता है। तो हम अगर कहें तो ज्ञान और शिक्षा दोनों का उद्देश्य समान होता है। अब हम देखेंगे जो ज्ञान का वर्गीकरण है किया गया है, किस प्रकार से श्रेणी क्रम या क्रमबद्ध रूप से किया गया है। अब हम देखेंगे ज्ञान का वर्गीकरण। ज्ञान का जो वर्गीकरण है, हमने ज्ञान को देख लिया कि ज्ञान किस प्रकार से हमें प्राप्त करते हैं या ज्ञान क्या होता है। अब हम देखेंगे इसका वर्गीकरण या श्रेणीकरण। सबसे पहले हम देखते हैं तो वर्तमान समय में ज्ञान के ज्ञान के वर्गीकरण की विभिन्न रूप से प्रस्तुत किया गया है। ज्ञान की शाखा कहे वर्गीकरण में तो एक नहीं होती है, क्योंकि हम देखते हैं विज्ञान विषय। हम जब विज्ञान विषय का अध्ययन करते हैं तो इसके अंतर्गत कई शाखाएं होती हैं, जैसे भौतिक विज्ञान, जी
अध्ययन विज्ञान विषय के अंतर्गत किया जाता है। तो यही क्या है, विज्ञान विषय के रूप में माने जाते हैं। अब हम बात करें सामाजिक विज्ञान की। जो हम विद्यालय में सामाजिक अध्ययन पढ़ते हैं, तो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत कौन से विषय आ जाएंगे, सामाजिक। ज्ञान का वर्गीकरण का वर्णन की। ज्ञान का अर्थ और उसके वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको आपके नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल गई है। इससे सुरक्षित रहने के लिए मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित होंगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।